कल हम लोग आरजीबी कलर मॉडल और एसएसआई कलर मॉडल देखा था। आज हम उसके कन्वर्जन का कुछ फॉर्मूले हैं उसको जानना है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो भी सेशनल एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल इस पे मैंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं, इस वजह से सिर्फ और फॉर्मूला ही कन्वर्जन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन है आरजीबी टू एचएसआई, मतलब किसी भी इमेज का अगर हम कन्वर्जन करें वो आरजीबी पैटर्न पे हो, उस पे एचएसआई पैटर्न पे करने के लिए, तो इसके लिए मैटलैब में कोडिंग होती है। और बेसिकली ये प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है, लेकिन अब में लैब नहीं है इसलिए इस पर बहुत फोकस नहीं करना है। तो अगर हमको कन्वर्जन करना है आरजीबी से एचएसआई में, मतलब रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू दी गई हो और हमको कोई सेचुरेशन और इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये है आपका H इज इक्वल टू, ये आपका दिया गया है, ये चूंकि जो H है वो हमेशा थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब थीटा मतलब एंगल के फॉर्म में, तो H इज इक्वल टू थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। थीटा कब होगा, जब B इज लेस देन आर इक्वल टू जी, मतलब ब्लू की वैल्यू ग्रीन से कम या बराबर हो, तो H इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली थीटा हो जाएगी। वो थीटा क्या होगा अभी हम देखेंगे कैसे थीटा कंप्यूट होगा। अगर ये केस ना हो, मतलब कि B की वैल्यू G के बराबर या छोटी ना हो, तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि बी की वैल्यू आपकी जी से ज्यादा। ठीक है, तो उस केस में एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या होता है, थीटा आपका ऐसे कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड ग्रीन एंड टू आरजीबी की हेल्प से हम कंप्यूट करते हैं, जिसमें थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/2 आर माइनस जी प्लस आर माइनस बी अपॉन अंडर रूट आर माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस बी इंटू जी माइनस बी। ये आपका थीटा कंप्यूट करने का तरीका है कि थीटा कैसे आया है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से आर जी और बी की हेल्प से हम निकालेंगे, और एच की वैल्यू थीटा तब होगी जब बी की वैल्यू जी से छोटी या बराबर होगी, और 360 माइनस थीटा तब होगा जब बी वैल्यू जी से बड़ी। ठीक है, तो ये है एच की वैल्यू। इसी तरह से हम एस की भी वैल्यू को निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं देखते हैं। ये आपका दिया गया है, एस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन भी होता है बट डेरिवेशन आप लोग में नहीं पूछा जाता है, डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब चीजें पूछी जा सकती है और कभी कभी एक दो नंबर में पूछ भी देता है। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने ढूंढा कहीं मिला नहीं, इसका बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इससे होता है। ठीक है, तो ये S इज इक्वल टू क्या हो जाता है, S मतलब सेचुरेशन इज इक्वल टू 1-3 डिवाइडेड बाई आर प्लस जी प्लस बी इंटू मिनिमम ऑफ आर जी बी। सिंपल फार्मूला है ये,
है। इसी तरह से आई भी है, आई इज इक्वल टू 1/3 आर प्लस जी प्लस बी, मतलब आई इज इक्वल टू आर प्लस जी प्लस बी, तीनों को सम करने के बाद डिवाइड बाई 3 कर दे तो आई। आर आर जी बी वैल्यूज आर नॉर्मलाइज टू रेंज 0 to 1, मतलब आर जी बी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं आर जी बी टू एच एस आई में। अगर आर जी और बी की वैल्यू दी गई है और हमको एच एस और आई की मतलब कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एच एस और आई पा जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर एच एस आई, आवाज जा रही है ना? हाँ सर, यस सर, बीच में भी एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रोका भी था तब तक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है आज नेटवर्क वगैरह। चलिए, ये आपका आरजीबी टू एचएसआई होगा। इसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम एचएसआई टू आरजीबी, अगर एचएसआई की वैल्यू दी गई हो, एचएसआई दिया हो, तो हम उसको आरजीबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, उसको हम देखेंगे अभी। और इसके बाद हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे क्या होता है। हाँ सर, आवाज भी कट जा रही है। थोड़ा सा नेटवर्क भी इशू दे रहा था। चलिए, तो इसी तरह से जैसे हम आर जी बी टू एच एस आई था, वैसे ही एच एस आई टू आर जी बी होगा, वो कैसे होगा? अब एच हमेशा डिग्री के फॉर्म में होगा, तो अगर एच का रेंज 0 से लेके 120 के बीच में, 120 से लेस हो, मतलब 0 से लेके 119, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाता है, B मतलब ब्लू, ब्लू इज इक्वल टू हो जाता है दिस I इन ब्रैकेट 1 - S। ठीक, इसके बाद आपका R है, R बोले तो रेड, रेड इज इक्वल टू क्या हो गया, R is equal to A, I in bracket 1 plus S cos H divided by cos 60 minus H। इसी तरह से हम green भी, ठीक है, green हो गया 3 I R plus B। अगर H 120 से लेके 240 लेस देन 240 हो, तो आपका देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है आई वन माइनस एस आई ब्रैकेट में ये जो दिया गया, ये तीनों सीक्वेंस देखिए वही है, बस आर जी बी चेंज हुआ है, इधर बी आर जी था, यहाँ पे आर जी बी हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरा केस है, अगर H की वैल्यू 240 से लेके 360 तक हो। अच्छा हाँ, इसमें H इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, H की वैल्यू H माइनस 120 निकाल लेते हैं, यहाँ पे H इज इक्वल टू H माइनस 240 निकाल लेते हैं इस केस में। और इस केस में भी देखिए ये तीनों वही है, बस RGB का सीक्वेंस चेंज है, यहाँ GB। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, उसको हम देखेंगे अभी।